भाई मैंने तो आज तक सुना था जो बेयर होता है, भालू होता है, उसकी जीभ इतनी सख्त होती है कि वो अगर आपके पाँव को चाटे तो आपके पाँव जख्मी हो सकते हैं। मगर टाइगर की टंग मैंने अभी आपको दिखाई है, उस पर तो बिल्कुल कांटे लगे होते हैं, और अगर टाइगर किसी दीवार को लिक कर ले, चाट ले, तो उसका पेंट उतर सकता है। तभी तो वो जानवर की हड्डियों को जब चाटता है तो सारा मांस उसमें से साफ कर देता है। देखिए ये जो भगवान ने बनाए हैं मांसाहारी जानवर, उनको फिर उनके टूल्स भी वैसे दिए हैं ताकि वो आराम से खा पी सकें। तभी तो फूड चेन हमारी कंप्लीट होती है ना। मगर आजकल फेस्टिविटीज़ है तो हम इन जो ह्यूमंस हैं हम क्या खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, डोसा, आहा, सब कुछ खाइए, मगर होम मेड जो फूड है उसको ज़रूर खाइए, क्योंकि कंटेमिनेशन हो सकती है फूड में, मगर घर का फूड, अम्मा के हाथ का फूड इज़ द बेस्ट फूड। अरे नहीं नहीं ये स्क्वर्ल नहीं है, गिलहरी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, छोटा सा क्वाका। जी हाँ, ये छोटा सा बिल्कुल स्क्वर्ल जैसा लगता है, मगर ये इतना ह्यूमन फ्रेंडली है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। और इसको स्पेशली पाला जाता है, टूरिस्ट फ्रेंडली है, टूरिस्ट पे पास आकर ऐसे स्माइल करके फोटोग्राफ क्लिक करवाता है, आपसे ग्राउंड नट्स लेगा, आपके साथ घूमेगा। ओ माय गॉड, इतना ह्यूमन फ्रेंडली। हम कहते हैं कि डॉग बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली है, मगर ये जो क्वैका एनिमल है ना, इसको देख के तो मज़ा आ जाएगा। ये स्क्वर्ल और पांडा दोनों को मिला के लगता बना है, क्योंकि बहुत ही क्यूट है, और हर एनिमल वैसे तो बहुत प्यारा होता है, अगर आप उसको प्यार करेंगे तो वो आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। इसलिए एनिमल्स के साथ प्यार करिए और दुनिया को बनाइए खूबसूरत। डोमिनोज, खुशियों की होम डिलीवरी। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई फेस्टिविटी है, कोई घर में त्यौहार है, चलो जी पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, KFC से कुछ मंगवाते हैं या डोमिनोज से मंगवाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल जो ये होम डिलीवरी वाले हैं घर घर में खुशियां बांटते हैं, और डोमिनोज ने जो इंडियन एड बनाई है उसका टैगलाइन भी यही है, खुशियों की होम डिलीवरी। आपको पता है डोमिनोज KFC की तरह और मैकडोनल्ड की तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करता। आप दुनिया भर में डोमिनोज घूम के देख लीजिए, उनके पास सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हम इतने सारे सीटिंग पे इन्वेस्टमेंट ना करें, हम होम डिलीवरी करें, ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करें, ताकि लोग अपने घर में अपनी खुशियां मंगवा सकें। तो ये डोमिनोज की स्ट्रेटजी है, मगर डोमिनोज घर घर में पसंद किया जाता है, और पिज़्ज़ा वैसे भी हम सब खाते ही हैं, चलो कोई बात नहीं, वहाँ ना बैठ के सही, घर में से ही, पार्टी तो पार्टी है ना, पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा है। से मेक को याद आया, कनाडा में आप अपना फूड लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपने जितना खाना खाया, ऑर्डर दिया, आपने खा लिया, जितना छोड़ा है वो आपको एम्प्टी बॉक्सेस देते हैं, आप उसमें अपना लेफ्ट ओवर फूड पैक करके घर लेके जा सकते हैं, आराम से सुबह ब्रेकफास्ट में खाओ या लंच में खाओ, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का ये मानना है कि फूड हम इतनी मुश्किल से उगाते हैं और उसको वेस्ट करने से फूड की इंसल्ट होती है। तो आप वैसे भी आपने पैसे दिए हुए हैं तो जो बचा हुआ खाना आप घर ले जाओ, ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप भी अगर बाहर जाते हैं, खाना बच जाता है तो वहाँ छोड़कर मत आइए, पैक करके घर लेके आइए। माय गॉड, द हीरो, द फायरमैन ऑफ द मिलेनियम, मिस्टर स्टीव लीच, इन्होंने क्या किया बताऊं आपको। UK में स्टीव लीच घर घर में दूध देते थे। अब क्या हुआ, एक दिन वो गए और किसी फ्लैट में आग लगी हुई थी, धुआं आ रहा था, उन्होंने धक्का मारा और देखा वहां पर 8 लोग बेचारे आग से जूझ रहे हैं। तो इनके पास दूध की बॉटल्स थी, तकरीबन 312 बॉटल्स, और उन्होंने उसको जल्दी जल्दी से खोलते गए, ऊपर डालते गए, खोलते गए, डालते गए, मतलब उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए वो सारा दूध वहां पे लगा दिया और 8 लोगों की जान बचा ली स्टीव लीच ने UK में। एंड वो कहते कि लोगों की जान बचाना मेरे लिए प्रायोरिटी थी, ये बॉटल्स खोल के दूध डालना बड़ा मुश्किल था मगर मैंने कर किया। और कहते सबसे ज़्यादा मुश्किल तो अपने मालिक को ये जवाब देना था कि मैंने इतना दूध वेस्ट कर दिया, मगर मेरा मालिक भी बहुत खुश हुआ और उनको, मिस्टर स्टीव लीच को, इतने इनाम दिए गए, ब्रेवरी अवार्ड्स दिए गए हैं और उनको फायर फाइटर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया है। वेरी गुड, जब किसी की जान बचानी हो तो एवरीथिंग इज़ फेयर। आप आए हैं घर में हमारे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, गुत्थी यही गाता है ना,
खैर मैं भी अपने प्रोग्राम में ये गा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे बड़े क्यूट से फ्रेंड्स आए हैं आज के ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में. हेलो, व्हाट्स योर नेम? ओके, व्हाट्स योर नेम? अच्छा, तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ये मुस्कुराते हुए जा रहे थे हमारे बच्चे और फिर हमने लगाई इनको आवाज़. अच्छा, ये बताइए, आप डिप्स ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, कैसा लगता है ये प्रोग्राम? मैम, इट्स वेरी नाइस प्रोग्राम. इट्स टेल अस वेरी मेनी थिंग्स अबाउट हाउ टू लिव एंड इट इज वेरी इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल. दैट्स व्हाट यू वांट टू से. मेनी थिंग्स टू लर्न एंड वी जस्ट एंजॉय इट. Oh, that's good. आप बताइए बेटे. अच्छा, आप बताओ, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ. अच्छा, जब कभी प्रोग्राम आता है तो आप कभी उछल के कहते हो मामा ये हमारे मैम है, इनको तो हम रोज देखते हैं. Yes, ma'am. मजा आता है ना? Yes, ma'am. वो जो एक फील आती है कि यार ये हमने भी करना है, आता है कभी मन? Yes, ma'am. यार हम भी कभी ऐसे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे. जब मैं आपकी उम्र की थी तो संडे वाले दिन स्पेशली मैं घर का काम नहीं करती थी. संडे वाले दिन मैं काबू आ जाती थी, झाड़ू पकड़ा देते थे घर वाले, चलो ये भी काम ज़रूरी है, तो मैंने झाड़ू मारते जाना. साथ साथ में मैं कंपेयरिंग करती थी, लीजिए अब हम सेटी के नीचे से झाड़ू मार रहे हैं और ये कागज़ निकलता हुआ, जिस देखिए कागज़ वहाँ पर निकल आया है. तो ये शुरू से ही मेरे मन में था. तो ऐसे सबके मन में होता है कि हमने क्या बनना है. आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर. अरे दैट्स गुड, अनदर किरण बेदी. ओके, व्हाट यू वांट टू बिकम बेटे? डेंटिस्ट. ग्रेट, आपके दांत भी वैसे बहुत अच्छे हैं. व्हाट यू वांट टू बिकम बेटे? डॉक्टर. हाय डॉक्टर, व्हाट यू वांट टू बिकम? सेम, डेंटिस्ट. डेंटिस्ट, वेरी गुड. तो ये जो बडिंग डिप्सियंस हैं ये अपनी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे क्योंकि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. खुशियाँ अपार, खुश रहे सारा संसार. हाय माय डियर चिल्ड्रन, अब इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पे वाइंड अप और मैं प्रॉमिस करती हूँ फिर लेके आऊँगी आपके लिए जानकारी का खजाना. चलिए जी, अब एंजॉय करते रहिए अपनी फेस्टिविटीज़ को, अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते जाइए, टेस्ट की तैयारी करते जाइए. जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट. चलिए अब कल मिलूंगी, टेक केयर, बाय बाय.